जनपद बिजनौर में एक बंद पड़े घर की छत पर गृह स्वामी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिलने से गांव तथा आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ सीओ सिटी भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मामले की जांच में जुट गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव प्रेमनगर निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के 30 वर्षीय पुत्र राहुल चौधरी ने अपना मकान गांव से बाहर हल्दौर चांदपुर मार्ग पर स्थित अपने खेत पर बनाया हुआ है, जहां पर राहुल चौधरी अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था। ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पूर्व राहुल चौधरी की पत्नी शीलू अपने दोनों बच्चों समेत हरियाली तीज के अवसर पर अपने मायके गई हुई थी। राहुल चौधरी कई दिनों से अपने घर पर अकेला था। उसकी पत्नी के जाने के बाद से राहुल के घर का दरवाजा बाहर से बंद पड़ा हुआ था व राहुल घर पर आता जाता नहीं दिख रहा था। सोमवार सुबह करीब 8 बजे गांव के एक युवक ने मृतक राहुल की माता प्रमोद देवी को फोन पर सूचना दी कि शायद राहुल की तबीयत खराब है, आकर देख लो। प्रमोद देवी अपने छोटे बेटे अनमोल के साथ बिजनौर शहर में रहती है। सूचना पर प्रमोद देवी छोटे बेटे अनमोल के साथ गांव पहुंची। जैसे ही वो दोनों राहुल चौधरी के घर के पास पहुंचे तो घर से उन्हें तेज बदबू आई। घर का दरवाजा खोलकर जब उन्होंने राहुल को तलाश किया तो घर की छत पर राहुल चौधरी का कई दिन पुराना शव रक्त रंजित अवस्था में पड़ा हुआ मिला तथा घर की दूसरी मंजिल की रेलिंग भी टूटी पड़ी हुई थी। कमरे, जीने तथा आंगन में जगह जगह पर खून पड़ा हुआ था। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार वालों ने मामले की सूचना फोन पर पुलिस को दी। परिवार के लोग राहुल चौधरी की हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सिटी अनिल सिंह ने स्थानीय थाना पुलिस को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रमोद देवी ने हत्या के मामले में तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक मणिराम सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज प्रातः ग्राम प्रेमनगर थाना क्षेत्र हल्दौर से एक 26 वर्षीय राहुल का मृत शरीर उसके घर की छत से बरामद हुआ। मृतक की अपनी पत्नी से लगातार विगत कई वर्षों से विवाद चल रहा था। पत्नी दो दिन पूर्व मायके गई हुई थी। मृतक की मां की तहरीर के आधार पर, आशंका के आधार पर मृतक के पत्नी के विरुद्ध, उसके पिता, उसके भाई के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी तथ्य इसमें संज्ञान में आएंगे, निकल के आएंगे, गंभीरता से विवेचना करने के उपरांत तत्पश्चात प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।